नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र दुबे। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सारे लोगों को। कहते हैं ना कि धन की अगर वृद्धि करनी हो तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको जरूर करना चाहिए, माँ लक्ष्मी की आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। और माँ लक्ष्मी की अगर कृपा नहीं हो तो मनुष्य दारिद्र को भोगता है। तो क्या हम माँ की आराधना कृपा प्राप्त करें, धन की वृद्धि करें, तो कौन सा ऐसा उत्तम और अच्छा समय है? तो वो है दीपावली का त्यौहार। तो आइए हम चलते हैं सीधा मुहूर्त पे कि कौन सा अच्छा दिन में या कौन सा अच्छा मुहूर्त है जिसमें हम ये पूजा संपन्न कर सकें। तो संपन्न करने के लिए मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो वृषभ लग्न आया है, स्थिर लग्न में हमारी माँ लक्ष्मी हमारे घर पर आनी चाहिए। अगर स्थिरता अगर आप चाहते हैं तो ये जो समय मैं बता रहा हूँ उसी में आपको ये पूजा करनी चाहिए। तो वो समय निकल के आ रहा है शाम का 7:32 से 9:32 का, ये जो समय है इसमें आप सारी पूजाएं संपन्न कर सकते हैं। उसके बाद में जो मिडनाइट का जो समय आया है जिसमें हम कहते हैं कि 1:57 से लेकर के 4:05 तक का समय है, इसमें हमको आराधना करनी चाहिए। ये तो बात रही मुहूर्त की, अब हम बात करते हैं सामग्री के बारे में। तो माँ लक्ष्मी को जो सबसे प्रिय यंत्र है वो श्री यंत्र कहा गया है। यंत्रों में शिरोमणि कहा गया है, इसके ऊपर कोई यंत्र है ही नहीं। तो कृपा करके सारे लोग श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं, उसमें मेरु यंत्र की स्थापना कर सकते हैं, सेमी होता है वो, और साथ साथ में कुबेर यंत्र की स्थापना भी आज करनी चाहिए। गणपति जी का स्थान आपको करना चाहिए, साथ में कमलगट्टे की माला आप रख सकते हैं, कौड़ियाँ रख सकते हैं, और उसमें कहा जाता है कि गोमती चक्र, ये सारी चीज़ें समुद्र से ही प्राप्त होती हैं, तो समुद्र से ही निकलती हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास भी समुद्र में कहा जाता है और माँ लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है। इसीलिए अगर आप देखें तो मुंबई में एज ए वास्तु के हिसाब से, मुंबई में अगर आप देखें तो वायव्य दिशा में ही माँ लक्ष्मी का वास है, इसीलिए मुंबई इतनी संपन्न है और सारे लोग यहाँ पर जो भी आता है वो मुंबई का ही हो जाता है। तो चलिए अब आप आगे की बात करते हैं कि किस दिशा में आराधना करने से माँ लक्ष्मी की आपके घर पर धन की वर्षा हो सकती है। तो सर्वोपरि कहा गया उत्तर दिशा में ही आपको बैठ करके आपको पूजा अर्चना करती है क्योंकि उत्तर दिशा में अलकापुरी है, उत्तर दिशा में कुबेर है, उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो कृपा करें इसी दिशा में, सारे दुखों का उत्तर इसी दिशा में हमारे शास्त्र में कहा गया है। तो आप वहाँ पर बैठ करके लाल आसन पर बैठ के कमलगट्टे की माला लेकर के श्री यंत्र स्थापित करके, गणपति जी को स्थापित करके, कुबेर देवता को स्थापित करके, जो अगर मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ वो आप ज़रूर करिए, आपको बहुत लाभ होगा। तो सर्वोपरि कहा गया है, हमारे जो वेद है उसमें कहा गया माँ लक्ष्मी किससे ज़्यादा प्रसन्न होती है, तो वो कहा गया है श्री सूक्त से। उसकी मंत्र की एक लाइन में बताना चाहता हूँ, ओम हिरण्यवर्णाहरणी सुवर्ण रजत सज्जाम चंद्रा हिरण्यमही लक्ष्मी जात वेदो महाव्यम, ऐसी 16 ऋचाएँ कही गई हैं, 16 लाइनें हैं। ये माँ को बहुत प्रिय है, आप कोई पढ़ें या न पढ़ें लेकिन ये श्री सूक्त आपको आज के दिन ज़रूर पढ़ना चाहिए, इस मुहूर्त में पढ़ना चाहिए और 11 से 21 बार आपको ये श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए, साथ साथ में कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ आपको करना चाहिए। तो एक अलर्ट करने वाली बात यह है कि आपके इस पूजे पूरे सामग्री में कांच का कोई भी मेरु यंत्र स्थापित न करें, कांच में कोई भी ऊर्जा तैयार नहीं होती दोस्तों। और साथ साथ में सिर्फ अगर आपको यंत्र चाहिए तो तांबे का आप ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, सोने का ले सकते हैं, ये शास्त्र में वर्णित है। हमारे यहाँ पर कांच कोई भी ऊर्जा तैयार नहीं करता, तो प्लीज़ मैं सारे लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कांच का बना हुआ मेरु यंत्र की स्थापना न करें। दीपावली की पूजा के बारे में बताना चाहता हूँ, पूजा के पहले आप पूरे घर के अंदर दीपक ज़रूर आप अवश्य ही लगाएं और साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ जब आपकी पूजा संपन्न हो तो जो भी पैसे की आप पूजा करते हैं उसको साउथ वेस्ट कॉर्नर में जाकर के स्थापित करें लाल कपड़े के अंदर और रोज़ उसे धूप अगरबत्ती दिखाना है आपको, और जो कलश है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप स्थापित करें। तो देखो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर धीरे धीरे, आपके घर में सुख और पैसे की जो भी अभाव है वो अच्छे तरीके से आप उसको धीरे धीरे, धन बढ़ेगा आपके घर पे। साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर के मध्य में 5 दीपक ज़रूर लगाएं, उसे कहते हैं ब्रह्म स्थान, वहाँ पे लगाने पे माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत ज़्यादा रूप से आपके ऊपर पड़ेगी। और मैं कहना चाहता हूँ जो लोग कई सालों से, चाहे वो रियल इस्टेट में हो चाहे बड़े बिल्डर हो, उनका काम अगर अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है तो ये प्रयोग आप दिवाली के दिन ज़रूर करिएगा कि रात के दिन ही आप पूजा ज़रूर करें और उसमें कनकधारा स्तोत्र है उसकी 21 बार आप चैंट ज़रूर करिए और 21 बार चैंट करने के बाद में जो भी आपकी सामग्री वगैरह है उसे आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में ही स्थापित करें। जो भी रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, बिल्डर्स हैं, जिनका काम नहीं बन रहा है, कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो वो दीपावली का पर्व है जहां पर आप छोटी सी पूजा कर सकते हैं। आपको रात को ही पूजन करना और कनकधारा स्तोत्र का 21 बार पाठ करके गोमती चक्र और कौड़ियाँ, इसके ऊपर आप कुंकू लेकर के, ये कहा जाता है इसको हिरण मुद्रा कही जाती है, इसको मृग मुद्रा कही जाती है, इससे सिर्फ कुंकू अगर आप उसके ऊपर प्रवाहित करते हैं श्रीम बोलते हुए, ये मंत्रों का जाप है, श्रीम बोलते हुए 108 बार आप
गोमती चक्र और कौड़ी के ऊपर अगर आप डालते हैं और पूजा संपन्न होने के बाद लाल कपड़े में उसको बांध करके आप घर के मेन द्वार पर अगर आप लगाते हैं और रोज़ उसको आरती और उसकी जो अगरबत्ती आप दिखाते हैं तो आप देखेंगे एवरी डे आप उसको सिर्फ अगरबत्ती आप दिखाते जाएँ तो देखेंगे कुछ ही दिनों में कुछ ही महीनों में आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो ज़रूर संपन्न होंगे। मुझे आशा है जो भी मैंने मुहूर्त बताए हैं उपाय बताए हैं इसको ज़रूर आप करें और देखेंगे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर पड़ेगी, आपके परिवार के ऊपर ज़रूर पड़ेगी। इसी आशा के साथ आज आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपके जीवन में सुख आए, संपत्ति आए, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो।